अगला क्वेश्चन देखें, इफ एन इलेक्ट्रॉन ब्रॉट टूअर्ड द इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ लाया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दो सेम चार्ज हैं एक दूसरे को ऐसे फोर्स लगाएंगे। ओके ध्यान दें, अगर सपोज करो मैंने एक ब्लॉक को अर्थ पे पकड़ा और ब्लॉक को उठा के रखा, मैंने छोड़ दिया, तो अर्थ ने जो नीचे वर्क किया ग्रेविटेशनल वर्क जो हुआ, ओके जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या पॉजिटिव होती है, और तुमने जो वर्क किया उसके अगेंस्ट में वो क्या हुआ नेगेटिव, हम ऑर्डर मानते हैं। ओके अब यहाँ पे जो आपकी जो अब इसके अगेंस्ट आप कर रहे हो, ये तो चाहता क्या है मैं बाहर दूर के भाग के जाऊँ, बट आप उसको पकड़ के सिस्टम बनाना चाहते हो, क्या चाहते हो आप उसको पास में लाना चाहते हो, इसका मतलब आप अगेंस्ट में उसके वर्क कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी आएगी कैसी आएगी, मतलब एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो तो इंक्रीज करेगी, नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी क्या इंक्रीज करेगी बट नेगेटिव में। ओके क्योंकि सिस्टम को आप बना रहे हो, सिस्टम को बनाने में कुछ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होता है k q² r। ओके ये आपकी पोटेंशियल ये हुआ आपका टोटल सिस्टम का पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है वी होगा पोटेंशियल इसका इनका इंक्रीज कर जाएगा। ओके तो इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन आएगा बी।